ओके बच्चों सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम मोलिकुलर मास अब ये जो ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम मोलिकुलर मास है ये दरअसल क्या है कि बोथ आर सेम टर्म्स द डिफरेंस इज ओनली इन देयर नेम है ना बात तो एक ही है ये ठीक वैसा ही है उससे मिलता जुलता है जो पिछले लेक्चर में अगर आपको याद होगा हम लोग पढ़ रहे थे ना ग्राम एटम है ना सो वी स्टडीड अबाउट ग्राम एटम और इसी को इसी का एक निक नेम या दूसरा नाम था दैट वाज ग्राम एटॉमिक मास तो ग्राम एटम और ग्राम एटॉमिक मास जिस तरह से पढ़ते हैं वही लगभग सेम तरीका ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम मोलिकुलर मास तो मोलिकुलर मास हो जाता है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज मॉलिक्यूलर मास इज मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर मास अच्छा अब अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने क्या सीखा हम लोगों ने सीखा है कि अगर एक मॉलिक्यूल के मास की बात करी जाए तो चूंकि बहुत छोटा मास होता है तो हम क्या करते हैं हम इसको मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ ए या या यू एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड मास तो अगर जैसे बात हुई कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल मास ऑफ वन मॉलिक्यूल मान लेते हैं बच्चों के एक किसी मॉलिक्यूल का मास या या चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल ही लेते हैं सो मास वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है या ना या ऐसे ना लिखते ऐसे लिखते हैं मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन ये अपना ओटो मॉलिक्यूल है तो इसके एक मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा बच्चों अब इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में क्या है कि हम देख रहे हैं दो ऑक्सीजन के एटम है अब अगर दो ऑक्सीजन एटम है तो दोनों एटम के मास को हमें ऐड करना रहता है सो so, एक एटम का मास होता है 16 एएमयू दो से मल्टीप्लाई कर दिए सो दिस बिकम्स 32 टू ए तो ये तो हो गया अपने एक मॉलिक्यूल का मास अब अगर आपको याद हो तो हम लोग थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट मोल भी पढ़ चुके हैं तो अगर ऐसे पूछा जाए कि मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल है ना बच्चों क्या पूछा जाए मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल और टू मास ऑफ वन मोल मोलिक्यूल ओटो मतलब क्या हो कि वन मोल मोलिक्यूल ओटो ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का मास ना बता के पूछा गया कि एक मोल का मास बताइए तो फिर आप कैसे करेंगे बच्चों तो फिर आप क्या करेंगे कि थर्टी टू एम यू तो एक मॉलिक्यूल का मास होता है अच्छा अब एक मोल mol मॉलिक्यूल का मास बताना है और एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं तो हम जानते हैं कि एक मोल में एन ए होते हैं तो वन मोल मॉलिक्यूल का मास पूछा जाए या एन ए का मास पूछा जाए बात तो एक ही है तो आप आ, क्या करेंगे कि जो भी आपका मॉलिक्यूलर मास है उसमें आप एन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे अच्छा अब हमने यह भी सीखा है कि हम ये भी पढ़े हुए हैं कि जो एक amu होता है वो दरअसल वन बाई एन ए ग्राम होता है क्या होता है प्यारे बच्चों जो एक amu होता है वो दरअसल वन बाई एन ए ग्राम होता है तो इस इंफॉर्मेशन का अगर यूज करें तो ये जो टर्म लिखा है आपने थर्टी टू ए तो amu को अगर ग्राम में कन्वर्ट किया जाए तो इट विल बिकम 1/n gram और उसके बाद आपको n से और मल्टीप्लाई करना है ये amu है 1 amu तो क्या हुआ बच्चों ये ऊपर नीचे का n कैंसिल हो गया और कुल मिलाकर जो हमारे पास रिजल्ट आया दैट रिजल्ट इज हाउ मच इट इज इक्वल टू ओनली 32 ग्राम तो ठीक वैसा ही है जैसे कि हम लोग ग्राम एटम में पढ़ते थे तो लोगों ने पढ़ा था ना कि अगर एटॉमिक मास एक एटम का पूछा जाए तो जितने ग्राम होता है जैसे ऑक्सीजन के एक एटम का मास पूछा गया तो आप कहेंगे कि सर 16 एमयू और उसी को हम अगर ऐसे कहें कि एक मोल एटम का मास बताइए तो बस एएमयू को ग्राम से रिप्लेस कर देना है वैल्यू में कोई फर्क नहीं होगा तो वन मोल मास ऑफ वन मोल ऑक्सीजन एटम है 16 ग्राम एंड मास ऑफ वन ऑक्सीजन आइटम है सिक्सटीन ए ठीक वैसे मोलिकुलर मास में भी है बच्चों एक ओटू का एक मॉलिक्यूल है तो इसका मास क्या है तो आप कहेंगे सर थर्टी टू ए और ओटू के एक मॉलिक्यूल की जगह उसके एक मोल mole मॉलिक्यूल्स ले लिए जाए तो उसका मास क्या है तो आप कहेंगे सर थर्टी टू ही रहेगा बस एएमयू की जगह आप ग्राम कर दीजिए तो एएमयू की जगह ग्राम क्यों करना है इसलिए करना है क्योंकि एक मोल में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कितने हो जाते हैं एन तो बत्तीस एमयू एक मॉलिक्यूल का मास है तो एन मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा तो आप बत्तीस एएमयू में एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए अब एमयू कितना हो जाता है सो वन एमयू इज वन बाई एन ग्राम सो यू रिप्लेस एमयू बाई वन बाई एन ग्राम एंड कैंसिल दिस टू एन सो द रिजल्ट इज थर्टी ग्राम अब मन में बात आएगी कि सर हमें तो पढ़ना है ग्राम मॉलिक्यूल आप कहां उलझ गए आप तो वनमोल की बातें करने लगे हमें तो ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम मोलिकुलर मास पढ़ना है हमें एक मोल मॉलिक्यूल का मास तो बताना नहीं है बच्चों ये जो ग्राम मॉलिक्यूल है ना और जो ग्राम मोलिकुलर मास ये दरअसल एक मोल मॉलिक्यूल का मास ही होता है तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये ग्राम मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या है तो आप कहेंगे सर ये दिस इज जस्ट मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल्स। तो देखो आगे करते तब बात करी जाए अब चलो इसकी डेफिनेशन ही देख लेते हैं हमें करना था ग्राम मॉलिक्यूल, हमें करना है ग्राम मॉलिक्यूल या इसी को बोला जा सकता है ग्राम मोलिक्यूलर मास देखो जरा क्या होता है ये इसकी जरा डेफिनेशन करते हैं ये ठीक बच्चों वैसे ही है जैसे कि हम लोग क्या पढ़ते थे ग्राम एटम या ग्राम एटॉमिक मास तो इसकी जो डेफिनेशन है उसमें लिखेंगे कि इट इज मास ऑफ इट इज मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल्स इट इज मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल्स बोथ आर द सेम टर्म्स है ना दोनों एक ही बात है चाहे कोई ग्राम मोलिक्यूल कहे या ग्राम मोलिक्यूलर मास कहे दोनों में कोई फर्क नहीं है बच्चों अच्छा जैसे इसका एग्जाम्पल करते हैं एग्जाम्पल करते हैं दो एग्जाम्पल करते हैं गौर से समझेंगे प्यारे बच्चों देखो पहला एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल हमें पता है कि मास ऑफ मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल्स मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन तो क्या लिखते हैं हम लिखते हैं थर्टी टू ग्राम्स है ना यही तो लिखते हैं अच्छा तो अगर कोई पूछे कि भाई बताओ कि ग्राम मॉलिक्यूल ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ओ टू क्या होगा तो आप सोचेंगे ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या बताया सर ने ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब बताया है कि एक मोल मॉलिक्यूल का मास तो कोई अगर O2 का ग्राम मॉलिक्यूल पूछे तो आपको जवाब देना है 32 टू ग्राम्स एकदम सेम अच्छा कोई पूछे अच्छा चलिए ठीक है ग्राम मॉलिक्यूल जानते हो अच्छी बात है बताओ अच्छा जरा ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बता दो अब चलो ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बता दो O2 अरे सर ग्राम मॉलिक्यूल ही तो है तो फिर से बत्तीस ग्राम हो गया अच्छा ठीक है इतना जानते हो चलो एक बात और बताओ अच्छा बताओ मास ऑफ केवल एक मॉलिक्यूल का मास बताओ आप क्या करिए केवल एक मॉलिक्यूल का मास बताइए सो so, मास ऑफ़ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑटू सर ये ऊपर जो कुछ लिखा है वो ग्राम में लिखा है उसी को हमें क्या कर देना है एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट कर देना एटॉमिक मास यूनिट लिख देना है या केवल यू ही लिख देना है यूनिफाइड मास सर एटॉमिक मास यूनिट क्या है सर पीछे पड़ चुके हैं हुँ? तो ये हो गया तुम्हारा ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम मॉलिक्यूलर मास एक एग्जाम्पल चलिए और कर लेते हैं एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग और कर लेते हैं जैसे बात हुई कि अच्छा चलिए सर एच मॉलिक्यूल के रेफरेंस में सारी बातें एक बार और देख ली जाए तो भाई मास ऑफ वन मॉलिक्यूल केवल एक ही मॉलिक्यूल की बात हो रही है ऑफ वाटर। वाटर का एक मॉलिक्यूल है तो इसका मास बताइए तो हम सभी जानते हैं सर इसका मास जो होगा वो होगा सर 18 ए एमयू या आप कह सकते हैं कि केवल यू यूनिफाइड मास और एटॉमिक मास यूनिट्स 18 कैसे आता है तो 18 इसलिए आता है दो हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास वन एमयू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 ए एमयू इफ यू एड ऑल दीज थिंग्स इट बिकम्स सो दिस इज बिकमय अच्छा ठीक है एक मॉलिक्यूल का तो मास बता दिए जरा एक मोल का भी मास बता दो तो कोई पूछे मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ वॉटर तो क्या करोगे तो सर बहुत आसान फिर से अभी जैसे पीछे किए थे कि 18 तो 18 ही रहेगा बस वो एमयू की जगह ग्राम कर देना है तो एक मोल मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा कोई कहे कहां से प्रकट होता है एमयू से ग्राम क्यों कर रहे हो सर इसमें एन से मल्टीप्लाई करेंगे और एक एमयू होता है सर वन बाई एन ग्राम तो ऊपर नीचे का एन कैंसिल हो जाएगा और एमयू की जगह ग्राम बच जाएगा जैसे भी पीछे बताए अच्छा चलो दो बातें हो गई Osionfish. अब बात हुई अच्छा चलो भाई तो अब बताओ ग्राम मॉलिक्यूल क्या होगा पूछा गया ग्राम मॉलिक्यूल बताइए किसका वाटर का कि ग्राम मॉलिक्यूल बताइए क्या होगा तो कहेंगे साहब सर 18 ग्राम ही तो होगा ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या है एक मोल mole मॉलिक्यूल का मास अच्छा चलिए ग्राम मॉलिक्यूल बता दिए ग्राम मोलिकुलर मास भी बताइए क्या होता है पूछेंगे कि ग्राम मोलिकुलर मास भी बताइए वो ओ का क्या होता है सर एक ही बात तो है चाहे ग्राम मोलिक्यूल कहें या ग्राम मोलिकुलर मास कहें क्या फर्क पड़ रहा है एक ही बात है सो दिस वॉज दिस वॉज ऑल अबाउट योर ग्राम मोलिक्यूल और यू कैन से ग्राम मोलिकुलर मास एंड दिस इज नथिंग बट मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल दिस इज नथिंग बट मास वन मोल मॉलिक्यूल तो बच्चों देखो दो टर्म हमने सीखे एक जैसे लगते हैं देखने हैं, समझने में तो जरा मैं एक बार लिखता हूं तो थोड़ा सा चीजें रिवाइज भी हो जाएंगी कैसे एक टर्म होता है बच्चों जिसको हम बोलते हैं ग्राम एटम देर इज अ टर्म कॉल्ड ग्राम एटम तो ग्राम एटम लिखा जाए या ग्राम एटॉमिक मास लिखा जाए एक ही बात होती है बच्चों है ना ग्राम एटम लिखें या ग्राम एटॉमिक मास लिखें इसी से प्रोनाशिएशन में मिलता जुलता एक और टर्म अभी हमने तुरंत सीखा विच इस ग्राम मॉलिक्यूल लिखा जाए या उससे ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखा जाए एक ही बात है ना बच्चों हा? तो अगर ग्राम एटम या ग्राम एटॉमिक मास हो तो क्या हुआ तो बोलते हैं सर दिस इज मास ऑफ वन मोल एटम्स अब यहां पर एटम की जगह मॉलिक्यूल है molecule, तो ये क्या हो जाएगा तो सर ये हो जाएगा मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल्स बस इतनी सी बात इतनी सी बात है ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम एटम में सो दिस पार्ट इज ओवर सो दिस पार्ट इज ओवर थैंक यू बच्चों